तो जो जिस टॉपिक का आज हम अध्ययन करेंगे उसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है जो जानते सब हैं और सबको लगता है सबसे सरल टॉपिक है ना, लेकिन प्रश्न आता है और आप गलत करके चले आते, इसलिए उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब आप सिलेबस देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है, तो उसमें जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रति वर्ष कोई भी पेपर हो एक प्रश्न आपका फिक्स होता है और ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके कुछ मूलभूत ऐसे बिंदु हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले इसकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हम जैसे हैं अभी, क्या हमेशा से ऐसे ही थे? हमारे पूर्वज कैसे थे? बंदर थे। ऐसे उसको आदि मानव कहते हैं, है ना, तो अभी भी थे, पूरे टहलते घूमते आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना, केला वाला लेके चलते रहेंगे तो खा पी भी लेंगे, है ना। लेकिन जो हमारे पूर्वज जो अभी हैं ऐसे नहीं जैसे सच में थे आदि मानव, आपको क्या लगता है कि उनके और हमारे बीच में क्या डिफरेंस? जैसे क्या आपको लगता है कि क्या हम वैसे ही हैं जैसे पूर्वज थे? डिफरेंस है ना, धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ। जब आप एक फिगर याद होगा, छोटा सा झुका हुआ, बड़ा 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 बड़ा, थोड़ा सा रिवाइज करिए, आप सब पढ़ के, आप टीचर बनने वाले हैं, बच्चों को भी आपको पढ़ाना, या मेरा पढ़ने का तरीका आपको हंसाएगा ज़्यादा क्योंकि हम बहुत बचकाना पढ़ाते, है ना, बेकार टाइप, लेकिन वो चीज़ें इसलिए भी बताते कि उसमें एक चीज़ छुपी हो जो आपको बच्चों को सिखानी, यहाँ आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ बच्चों को पढ़ाना है और उनके मेथड से आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो जो हमने देखा वो सोशलाइजेशन, पहले किस प्रकार चलते थे, अब किस प्रकार चलते, पहले किस प्रकार बोलते रहे होंगे, इमेजिन, अब रिकॉर्डिंग तो रखी नहीं है, कि रखी है, यूट्यूब पे है, कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, ऐसे रहना भी नहीं चाहिए, कपड़े पहनते थे, नहीं पहनते थे, पत्ते पहनते थे, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी वर्गर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम जब जानते हैं जो हमारे आदि मानव थे, ठीक है, और जो अभी का क्या है मानव, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है समाजीकरण का, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, शिक्षा। देखिए सब जान रहे हैं, लेकिन यहां पे आपको उसको बिंदुगत करने की आवश्यकता है, अर्थात पॉइंट आउट करना है कि प्रश्न कहां से आएंगे। मैं दो चार प्रश्न भी आपको बताऊंगी जो प्रीवियस पेपर में आए हुए, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो जो आपका ये समाजीकरण है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो हमारे पूर्वज थे और हमारे, उसके पीछे जो कारण की बात करें तो वो है शिक्षा। तो ये शिक्षा है कि आप BTC कर लिए, वो BTC नहीं करते थे, आप BEd किए, वो BEd नहीं करते थे, आप ग्रेजुएट हैं, वो ग्रेजुएट नहीं थे, आप लिख पढ़ लेते थे, वो लिख पढ़ नहीं लेते थे, वो लिखते पढ़ते थे नहीं, तो क्या ये शिक्षा में अंतर है? गलत। अगर आप शिक्षा को वास्तव में जानते तो ये जानते रहिए, लिखना पढ़ना डिग्री लेना कभी शिक्षा नहीं होता, शिक्षा हमारे व्यवहार से परिलक्षित होती है। तो जरूरी नहीं भी है कि वो अशिक्षित थे, क्योंकि शिक्षा हो सकता है उनके व्यवहार में रही हो, उसका अध्ययन हो रहा है, काफी चीजें डिफरेंस है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि वो शिक्षित थे कि नहीं। लेकिन जो ये डेवलपमेंट हुआ, जो ये यहां से यहां तक हम पहुंचे, इसके पीछे मूलभूत कारण आपका क्या है? शिक्षा। अब एक और एग्जाम्पल, आप जानते हैं एक कहानी कथन विधि आपकी पढ़ाने की, आगे आप जब विधियां पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। एक स्टोरी सुनिए मुझसे। एक लड़का था, है ना, इकलौता लड़का था और बहुत पढ़ने में अच्छा था, उसके माँ बाप उसको बहुत लाड प्यार से रखे थे, ठीक है, और वो उसको स्पेस देते थे, अलग कमरा देते थे, पढ़ता था, लिखता था, किसी से मतलब नहीं रखता था, क्लास में आता था, कहाँ झगड़ा, कहाँ झंझट, कहाँ क्या पार्टिसिपेशन, उससे कोई मतलब नहीं, उसको बस पढ़ना था, और बहुत ही ब्रिलियंट था, उसका IQ लेवल बहुत हाई था। भविष्य में वो एक ऑफिसर बन गया, ठीक है, तो शिक्षित हो गया ना, शिक्षित हो गया, यही तो समझाना, ठीक है। सुनिए, शादी हुई और माँ बाप से अलग हो गया, ये अभी जो चल रहा है आपका प्रोसेस, मैं उसकी बात कर रही हूँ। शादी हुई, अब ऐसे काई एग्जाम, सब नहीं, सबकी बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि समाजीकरण हम पढ़ क्यों रहे हैं।
वो माँ बाप बहुत लाड़ प्यार से पा रहे, समाज से अलग किया, अरे उसको पढ़ने दो, एग्जाम है, जाने दो, अलग किया लोगों से, है ना, ये खाओ तुम, ये पियो, खूब ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बुद्धि आईक्यू सब बढ़ा, बुद्धि नहीं बढ़ती, बुद्धि जन्मजात होती है ना, तो फिर आपकी चीजें ये डेवलप हुई और बाद में क्या हुआ, वो खुद अपने माँ बाप से अलग हो गया। तो इसके पीछे क्या ऐसी कमी रह गई कि वो इस प्रकार की प्रक्रिया किया, तो उसके पीछे जो आपका रीजन है वो क्या है, ठीक है, सामाजिकरण एक ऐसा टर्म है जो बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण टर्म माना जा सकता है, क्योंकि हम पढ़ते किसके लिए हैं, हो सकता है अपने माँ बाप के लिए पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, तो अपने लिए क्या, फिर अपने बच्चों के लिए करते हैं, ये नहीं सोचते हैं। तो जहां एक व्यक्तिगत कोई चीज, जैसे ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या अपना अस्तित्व रख सकता है अकेले, सोचिए, रख सकता है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, हमेशा इसे क्या होता है, एक समूह की आवश्यकता होती है। तो दो या दो से अधिक लोगों के समूह जिनमें समान गुण हो, सारे नहीं, कोई कुछ आपके गुण उनसे मिल रहे हैं, उसको कहते हैं क्या, समूह दाय, ठीक है, और दो या दो से अधिक समुदायों के समावेश को क्या कहते हैं, समाज। पहले जब अगर आप पढ़ रहे हैं तो कीवर्ड तो जाने की है क्या, आप समाजीकरण जान रहे हैं कि ये करेगा टीचर, लेकिन आपसे पूछ दिया समाज क्या है तो आप क्या बताएंगे, बच्चा पूछेगा ना, क्या कभी नहीं पूछेगा, कहीं सुनता भी है तो बच्चा अभी बाल्यावस्था आपने पढ़ा, बहुत ही जिज्ञासु होता है, तुरंत पूछेगा, चाहे उससे कोई लेना देना नहीं, अच्छा ऐसा क्यों हो गया, क्या हुआ, अरे ऐसे कैसे हो गया, जानता रहेगा तब भी पूछेगा, मतलब वो उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो वहां पे आपको ये समझना है कि जो व्यक्ति है वो अपना अकेले अस्तित्व नहीं रख सकता, उसे किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती, वो हर काम खुद से नहीं कर सकता, और आपको पता है कि प्रकृति ने ऐसा रूल बनाया है कि प्रजनन होगा, लोग बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेगा, देखिए मोह माया, प्रकृति भी क्या चाहती है, समाजीकरण। तो यहां जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलेंगे और उनमें एक जैसे गुण हो, जैसे कहते हैं ना महिला समुदाय, ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय, नाम सुना होगा ना, यहाँ बस क्लियर कर रही हूँ, तो उनमें से एक गुण उनका क्या होता है, कॉमन होता है। समुदाय का अर्थ आप क्या अर्थ रखेंगे, कि कोई एक गुण या दो से अधिक गुण, सारे नहीं, कि हाँ जैसा वो दिखता है एकदम उसका क्या है, मोम का पुतला बनता है ना, देख सेम टू सेम, ऐसा कोई नहीं होता, वो तो एक जुड़वा बच्चे भी अगर होते तो उनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई गुण उनका कॉमन होता है और उन गुणों के आधार पे उन्हें क्या कहते हैं, समुदाय, और इन्हीं दो या दो से अधिक समुदायों को मिला के क्या बनता है, समाज, ठीक है। तो ये होता है समाज की पृष्ठभूमि, अर्थात पहले सिर्फ व्यक्तिगत, फिर सामुदायिक, फिर सामाजिक। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, समुदाय नहीं, वह लिख रही हूं, ठीक है, व्यक्ति से समुदाय, समुदाय से समाज। अब हमें देखना है कि हम बच्चे का विकास कर रहे हैं, तो एक टर्म आता है आपका क्या, सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास से आप क्या समझते हैं, चारों तरफ से ना, एक दो तीन चार, शारीरिक मानसिक और सामाजिक और चारित्रिक और पांच हो रहा है, चारों तरफ से, दिशाएं आपकी आठ भी मानी जाती है, लेकिन ये क्या है, सर्कल है, इतने पक्ष हैं यहाँ कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सिर्फ दिमाग बढ़ रहा है, कि सिर्फ शरीर बढ़ रहा है, कि सिर्फ सामाजिक बढ़ रहा है, कि नैतिक बढ़ रहा है, नैतिक और चारित्रिक दोनों अलग है, सांस्कृतिक बढ़ रहा है। तो वहां पे जो सर्वांगीण विकास है, ये तात्पर्य नहीं है कि शरीर खूब बढ़ जाए वहां तक आपका सर पहुंच जाए, तो सर्वांगीण विकास हो गया ना, नहीं ना, अर्थात एक उचित आपका विकास हो, लेकिन हर पक्ष का विकास हो, आपके हर पक्ष का प्रचुर मात्रा में विकास करना ही क्या है सर्वांगीण। सर्वांगीण यहाँ पूरा 100% विकास नहीं, यहाँ हर पक्ष का 100% पक्ष का विकास माना जाएगा, और इसका जो एक टर्म है वो क्या है, सामाजिक विकास। हर साल एक प्रश्न सीटेट का फिक्स है इस पोर्शन से कि समाजीकरण क्या है और बच्चा कैसे, बच्चे का कैसे समाजीकरण आप करेंगे, शिक्षक की उसमें क्या भूमिका होती है, यही तीन पॉइंट को मिला जुला के ये प्रश्न हर बार पूछता है। आप देखिए,
अब हम जान गए कि व्यक्ति क्या है, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल, समुदाय क्या है, ठीक है, इनके समान गुण अगर किसी में एक कॉमन फैक्टर है तो दो या दो से अधिक लोगों के समूह को क्या कहेंगे, समुदाय, और दो या दो से अधिक समुदायों को मिला के क्या बनेगा, समझा, जैसे महिला समुदाय, पुरुष समुदाय, है ना, ठीक है, कास्ट पे या किसी भी बेसिस पे एक समुदाय बनाया और उसको पूरा एक समाज का रूप दे दिया। लेकिन ये समाज जो है इसकी कुछ क्या होती हैं, मान्यताएं। अब जानेंगे कि क्या मूलभूत फैक्टर है जिसको हमें देखना कि बच्चे का विकास करना है, यहां से, अब यहां से आपको छान के यहां तक पहुंचना है, इनके जो गुण हैं बच्चे में लाने के, ना बहुत सामाजिक बच्चा है, जब आता है कोई बड़ा तो पैर छूता है, भले मन में गाली देता हो, क्या आ गए, अरे मम्मी कही थी ना आएंगे तो छूना, आएंगे तो पानी लेगा, हाँ हंस के लाएगा दांत निपोर के, और क्या होता है उसमें, उसमें सुनिए, हम लोग भी किए हैं, बता रहे हैं, हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि क्यों आ गए। अच्छा मैं कही थी, आप लोग नहीं, आप लोग बहुत अच्छे, मैं नहीं, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं, मैं करती थी कि क्यों आए, क्यों पानी ले आओ, चाय ले आओ, मम्मी का, अरे ज्योति जल्दी लाओ, देर हो रहा है, उधर आके, इधर उधर आके सब चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यहाँ से छन के हमें यहाँ तक, इसके अंदर क्या वो गुण लाने, लेकिन सिर्फ दिखावटी नहीं, आंतरिक रूप से, यही मैं बताने का आपको प्रयास करूँ। यहाँ सिर्फ आप देख के सामाजिक हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मैनर में रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वो व्यक्ति सामाजिक नहीं हो सकता जब तक उसके मूल्यों में समाज न घुस जाए। तो मूल्यों में क्या, क्यों, कौन सी चीज़ें घुसाएंगे, तो जो समाज की मान्यताएं होती हैं, प्रथा, संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें। आप कहेंगे संस्कृति अलग है, लेकिन इसमें आ जाएगा, हर जो समाज है अलग अलग संस्कृतियां हैं कि नहीं, समावेश है कि नहीं, हर समुदाय का अलग संस्कृति है। जैसे आपके यहाँ विवाह कैसे होता है, पंडित जी कराते हैं, हैं, चर्च में कराते हैं क्रिश्चियन के, काजी कराते हैं मुस्लिम के, तो संस्कृति है ना उनकी, तभी मानेंगे जब उनके हिसाब से होगा। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो समाज में घुसे पड़े, और आपको ये जानना है कि किस चीज़ का किस प्रकार से विकास करना है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखिए, असंख्य इसके फैक्टर और विकास की जिम्मेदारी किसको दी जा रही है, शिक्षक को। क्यों, इसलिए ना आप पढ़ रहे हैं, आप शिक्षक बनेंगे, अभिभावक तो सब बनेगा, यहाँ बात किसकी है, शिक्षक की। लेकिन याद रखिए, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाए कि बच्चे का अगर समाजीकरण करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो वो है परिवार। कहते हैं विकास जो होता है जन्म से पूर्व से शुरू हो जाता है, मतलब जो गर्भावस्था होती है ना, लेकिन समाजीकरण जो है वो गर्भावस्था से शुरू नहीं होता, कुछ चीजें जाती है जेनेटिक माँ की, उसमें गुण जाते हैं, लेकिन वो व्यवहार पर लक्षण नहीं आता, जो चीज मेजर नहीं कर सकते वो नहीं बोल सकते ना। यहाँ साइंस हर जगह घुसा है, साइंस, क्या, जाइए जाइए, वीडियो देख लीजिएगा ना, भूल जाइएगा तो सुनिए, तो हर चीज क्या होता है यहाँ पे, आप देखते हैं कि बच्चे के अंदर माँ जैसी है बच्चा भी वैसा होता है, कहीं मम्मी को पढ़ा, पापा को पढ़ा, दादा को पढ़ा, नाना को पढ़ा, कहते हैं ना, तो वो गुण उसके अनुवांशिक होते हैं, अभी आपने विकास पढ़ा हुआ। लेकिन ये जो समाजीकरण की चीज होती है, जो समाजीकरण का गुण होता है, वो जन्म के बाद से माना जाता है। मुख्य अगर देखा जाए मुख्यतः, तो बाल्यावस्था एक ऐसी एज होती है जिसमें सबसे ज्यादा समाजीकरण का विकास होता है। अब भी जस्ट आप बाल्यावस्था पढ़े, पढ़ाना कुछ दूसरे वाले थे, लेकिन हम क्या ताजा ताजा है, अब निपटा दो नहीं फिर भुला जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक बालक की बात है जो घर से कुछ न कुछ सीख के आया होता है, क्योंकि वो परिवार से जन्म के बाद से सीखता है। जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो देखता है क्या कि कई चीजें रिपीट करता है, जैसे बोलो वैसे बोलने का प्रयास करता है, जैसे करो वैसे करने का, वो मारेगा तो वो भी हाथ उठाएगा, करता है ना, कि जन्म से उसको मारना आता है, नहीं ना, तो जो अनुकरण करता है देख के लोगों को, तो दो या दो से अधिक जहां इन्वॉल्व हुए वहां आपका समाजीकरण शुरू। दूसरी चीज, अभी आपने बाल्यावस्था में पढ़ा गैंग एज, कितने से कितने वर्ष है, ठीक है, चलिए, गैंग एज का नाम सुने रहिए, बाल्यावस्था में आता है, उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था इसको कहा जाता,
है ना, मतलब मुख्य रूप से ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, उत्तर बाल्यावस्था की होती, ठीक है। अब देखिए गैंग का मतलब क्या, अभी आपको बताया गया कि समूह, गैंग, उनकी गैंग जा रही है, अरे वो गैंग बहुत, बाइक लूटने वाली गैंग, चोरी करने वाली गैंग, लड़ाई करने वाली गैंग, सुना है ना। तो गैंग में क्या एक आदमी रहता है, दो से या दो से अधिक आए ना। तो यहाँ बालक जो बाल्यावस्था, उसमें समाजीकरण हुआ कि नहीं। इसके पहले शैशवावस्था में क्या, वो अपने पर डिपेंड होता था, आत्म केंद्रित, लेकिन बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है, सबसे ज्यादा समाजीकरण बाल्यावस्था में होता है, अगर ये प्रश्न पूछता है तो। फिर अगर आपका प्रश्न पूछता है कि जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है, तो वो किशोरावस्था में होता है, जहां जटिल हुआ, अर्थात बालक कुछ मैच्योर होना चाहिए ना। बालक से आप क्या समझते हैं जरा बताइए, बालक मतलब क्या होता है, बालक मतलब क्या होता है बताइए। अभी इसी सिलेबस में ही था, बालक, विद्यालय, शिक्षक, बताइए बालक से आप क्या समझते हैं। 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था है। यहां अगर यूएन की देखें, अगर यूनाइटेड नेशन ने बोला क्या कि जन्म से लेके 18 वर्ष के नीचे तक टोटली जो जनरली बालक कहते हैं, ठीक है। समाज क्या कहता है, अभी तुम बच्चे हो, कहता है ना, अरे अभी तो बहुत लड़का है, जाए कहते हैं ना। तो वहां वो उनके लिए बेटा या बेटी का सेंस होता है, यहाँ बालक का आप समझिए। यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस समझना है, लिखने वाली चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। यहाँ हमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हाँ, किताब लेके, कॉपी लेके, नोट्स लेके आप पेपर में नहीं जाएंगे। अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप यहाँ लेके हर चीज नहीं आ सकते। जैसे भाषा शिक्षण जो होता है, उसमें आपकी बुक अनिवार्य है, मैथ के में अनिवार्य है, क्योंकि आपको प्रश्न उसमें बताने रहते हैं। लेकिन कई ऐसे शिक्षण होते हैं जिसमें आपको बुक अलाउ नहीं होती। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट को कभी भी डिपेंड ना रहना पड़े अपनी नोट्स पे, भूल गया पलटना ना पड़े, कहाँ रख दिया खोजना ना पड़े, हाँ है तो जहां आप भूले दोबारा उसको पढ़े, वो चीज स्थिर होती है। विस्मरण आपने सुना होगा, स्मृति के चरण होते हैं, उसमें जब तक आप पुरानी चीजें नहीं भूलते, नई चीजें नहीं अडॉप्ट कर सकते, ये नेचुरल है और बहुत अनिवार्य है। जितना आप भूलेंगे उतना ज्यादा प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए कि जो आपका बालक है, अगर देखा जाए तो वो जो परिपक्वता से पहले, बोला जाता है कि जब तक कोई मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो बालक ही रहता है, क्योंकि 26 साल के इंसान को भी लोग कहते हैं बच्चा है। अभी समाज बता रही हूँ, समाज के परिप्रेक्ष्य में बालक क्या है, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए तब तक बालक है। जन्म के बाद से लेके मैच्योरिटी के बीच का जो है बच्चा, वो बालक कहा जाता है, ये समाज का परिप्रेक्ष्य। अभी आपने बहुत सारा पढ़ा बाल्यावस्था, इसमें ये एज ड्यूरेशन है, इसमें ये एज ड्यूरेशन है, लेकिन समाज में यही माना जाता है कि जब तक आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आप क्या रहेंगे, बालक। इसीलिए माँ बाप के लिए हमेशा उनका बच्चा बच्चा ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है समाजीकरण का। आप देखिए इसमें क्या जानना है कि समाजीकरण क्या, अब परिपक्वता से पहले बालक है और उसी बालक को क्या करना है, समाज में इंक्लूड करना है, कई सारे लोगों के समूह में, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना, कैसे आचरण करना, कैसे उनकी मान्यताओं को मानना, प्रथाओं को मानना, संस्कृति के अनुरूप चलना। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, विवाह होता है अंतर जाति, है ना, तो ये समाज के कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमारे यहाँ ये कल्चर है कि सेम कास्ट में शादी करते हैं और कोई दूसरी कास्ट में जाकर शादी कर लिया, तो उसको क्या करते, बहिष्कृत कर देते। कौन करता है, समाज। क्यों करता है, आपने उसकी मान्यता के विरुद्ध क्या किया, कार्य किया। अर्थात समाज का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उसकी मान्यताएं एवं प्रथाएं, जो उसने मानक बना लिया। जैसे अगर 50 नंबर है तो 17 पासिंग है ना। तो अगर 17 से ऊपर गए तो मान लो 18 भी है तब भी कहेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कास्ट सेम थी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो उसी कास्ट में थोड़ा अपर लोअर कर लिया। लेकिन जहां आप 17 से नीचे गए, मारो साले को, बहुत चोर इंसान है, अरे इसके यहाँ शादी करने लायक नहीं, इसके यहाँ तो ऐसे शादी हुई, इस प्रकार की मैं बता रही हूँ, कुछ कमियां भी हैं। तो यहाँ ये जो मान्यताएं इनकी होती है थोड़ी कभी कभी रूढ़िबद्ध हो जाती,
तो हमें बालक के अंदर जो समाजीकरण करना है वो वास्तविक समाजीकरण करना है। समाज में क्या होता है? सहयोग होता है ना। समाज क्या करता है? कहते हैं समाज है ना, समाज को देखो। समाज का नाम लेके लोग पता नहीं क्या क्या करवाते, लेकिन वास्तव में अगर समाज की आप परिकल्पना देखें तो समाज वही है जो हमेशा आपका विकास चाहता है। वास्तविक समाज वही है जो आपको हमेशा क्या विकासोन्मुख देखना चाहता है। वो आपके अगर आप जैसे आईएएस बन गए तो फोन आना शुरू, अरे बधाई हो, जो कभी नहीं आपको पूछते थे सब करेंगे फोन। आप पीसीएस बन गए तब भी नौकरी लगी, अरे वाह, जो अरे वाह भले अंदर जल रहे हैं लेकिन जो अरे वाह की फीलिंग है, ये फीलिंग कौन सी है? समाजीकरण की। ये चीजें होती समाज की कि समाज अगर एक सही अगर वास्तविक समाज है तो हमेशा आपका विकास देखना चाहता है। क्योंकि इसमें एक चीज है, एक तो व्यक्तिगत आप देखिए, एक समूह, दोनों फैक्टर होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ समूह 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 देखे, व्यक्तिगत रूप से भी देखता है। इसकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे समाज का हर व्यक्ति क्या हो, सर्वोत्कृष्ट हो। तो उसी प्रकार से हमें बालक में क्या करना है? समाजीकरण करना है, अर्थात इसे इनकी मान्यताएं जो हमारे समाज की हैं, प्रथाएं, जो रूल है, रेगुलेशन है, नैतिकता है, जो किस प्रकार का चरित्र करना है, सारी चीजें इसको सिखाना। तो मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें? परिवार। अगर उसके बाद देखा जाए तो जानते हैं परिवार से जब निकलता है तो बालक को विद्यालय में भेजा जाता है ना, तो कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, जो इन फ्रंट उनके हमेशा आता है। तो उसका क्या है कि उस शिक्षक को इसके समाजीकरण का विकास करना है। इसी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि क्या है ऐसी चीजें कि शिक्षक ऐसा, बालक ऐसा व्यवहार कर रहा है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना, आप ये सिखा रहे हैं, इसका क्या नॉर्म होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। जैसे मैं आपको प्रश्न मैं लिख के भी लाई हूँ, दो चार प्रश्न नोट भी कर लीजिए, लिखिए। समाजीकरण का इसी प्रश्नों का विश्लेषण में मैं बता भी दूंगी कि हाँ क्या क्या चीजें जो नई नई है। समाजीकरण का गौड़ वाहक है ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। पहला है परिवार पड़ोस, दूसरा है विद्यालय पड़ोस, तीसरा है विद्यालय निकटतम परिवार और चौथा है परिवार रिश्तेदार। कौन सा होगा? गौड़ वहां पूछा है परिवार और पड़ोस, गौड़वाहक ना। तीसरा है विद्यालय निकटतम परिवार। कभी इसमें देखिएगा, यही कंफ्यूजन का पॉइंट है। गौड़ मतलब एक होता है मुख्य और एक होता है गौड़, प्राथमिक द्वितीयक। परिवार जहां जहां हो उसको तो आप काट ही दीजिए कि ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि परिवार का भी गौड़ वाहक नहीं होता। तो ये तो नहीं होगा दो, फिर इन दोनों में अब देखो विद्यालय पड़ोस और विद्यालय निकटतम परिवार, ऑप्शन उसमें नहीं याद आ रहा है। मैं अपने से ऑप्शन इसमें हमें नहीं याद आ रहा कि इसमें क्या था, लेकिन मैं इसमें रख रही हूँ कि निकटतम परिवार, उसमें जो भी ऑप्शन है इसमें आप देखिए। अब विद्यालय और पड़ोस दोनों क्या है? जैसे घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन विद्यालय और निकटतम परिवार, तो निकटतम परिवार मतलब आपके जो संबंधी हैं, आपके चाचा चाची ये सब ना, तो ये तो आपके नजदीक रहेंगे ना पड़ोस से ज्यादा। तो सबसे गौड़ वाहक इसमें कौन सा ऑप्शन है? विद्यालय और पड़ोस। देखिए एनालिसिस करना सीखिए, ऐसे समाजीकरण नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, विद्यालय एवं समाजीकरण, विद्यालय एवं समाजीकरण डैश, ऑप्शन वन लिखिए
विद्यालय समाजीकरण का मुख्य कारण है, पहला मुख्य कारण है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारण है, शॉर्ट में लिख रहे हो जो बोल रहे हैं आप लिखिए। दूसरा है विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका विद्यालय की समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। चौथा ऑप्शन है विद्यालय की समाजीकरण में थोड़ी भूमिका है, विद्यालय का समाजीकरण में थोड़ी भूमिका, क्या लगता है क्या ऑप्शन होगा? पहला मुख्य कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, कोई भूमिका नहीं है, थोड़ी भूमिका है, करिए एनालिसिस। मुख्य कारण है, ठीक है। और कितने लोग ऑप्शन वन पे, चले ऑप्शन वन वाले हाथ उठाए, थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा भगवान ने हाथ दिया ये, ठीक। दूसरा, इतना नीचे हुआ तो दो में उठा सकते हैं ना, इतने इतने में दो तीन में उठेंगे, अब पहले दिन तो पहचानेंगे नहीं, बताइए दूसरे में कौन है, एक, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है, अच्छा थी आप दूसरे में, अरे वो उठाए तो धीरे धीरे दूसरे से उठ के तीसरे में उठे ना, तो पता नहीं चलता। इसका आंसर है महत्वपूर्ण कारण है, अभी बताया मुख्य कारण परिवार है, कैसे इतनी बड़ी गलती आप कर सकते हैं। मुख्य कारण क्या है समाजीकरण का, परिवार है, विद्यालय के बाद भी परिवार में आएगा, शुरू से परिवार में है, बाद में परिवार में रहेगा, जिंदगी भर विद्यालय में रहेगा, मुख्य कारण नहीं है। अभी इस हिसाब से देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वहां चीजें सब सही है, विद्यालय भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन ऑप्शन को देखिए उस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो क्या है, महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि थोड़ी भूमिका भी नहीं होती, बहुत होती है, शिक्षक की, साथ में रहते हैं लोग, जो सहपाठी होते हैं, विद्यालय की कैसा वातावरण है, हर चीज क्या है समाजीकरण में थोड़ी भूमिका भी है, ये तो गलत ही है, महत्वपूर्ण कारण। अब यहाँ देखिए ये भी मुख्य कारण, यहाँ बस मुख्य अगर हटा दे तो कारण है रहता तो सही हो जाता, लेकिन मुख्य कारण क्या है परिवार अभी बताया था। अगला प्रश्न लिखिए, हाँ दूसरा सही है, अभी ऑप्शन, अभी क्या कंफ्यूजन है, जहां आप कंफ्यूज हुए, दो से तीन लगा गलत, और ऐसा ही आता है कि हम पेपर, ऐसा ही सीटेट का पेपर होता है कि पेपर करके आते तो किसी को नहीं पता पास होंगे कि फेल, प्रश्न ही ऐसा रहता है, हो सकता है पास हो जाए, टाइम हो गया, बस एक मिनट, एक क्वेश्चन, ठीक है लिखिए, लड़के बनो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के बनो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, एक शिक्षक का स्टेटमेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है, लड़के बनो लड़कियों की तरह मत व्यवहार, मतलब मान लो रो रहा होगा, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़के बनो, ऑप्शन लिखिए इसका, इसमें क्या परिलक्षित होता है आपको लिखना है, जातीय भेदभाव पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका अच्छा उदाहरण, तीसरा है भेदभाव रूढ़िबद्ध धारणा, भेदभाव रूढ़िबद्ध धारणा, चौथा ऑप्शन है लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता उजागर करना, अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, तीसरा, पहले में कौन कौन है हाथ उठाइए, दूसरे में कौन कौन है नहीं, तीसरे में कौन कौन है, बाकी लोग कहाँ हैं, चौथे में, इसका आंसर है तीसरा,
अब ये सुन लीजिए, बड़े आसानी से आपने जवाब दे दिया, बहुत सही, बहुत अच्छा, लेकिन ये समय जातीय भेदभाव नहीं है, ये लैंगिक भेदभाव है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अच्छा उदाहरण बिल्कुल नहीं है, क्या लड़की बन रहा है तो क्या खराब है लड़की, ऐसे तो लड़कियां ही हैं, एक ही लोग बैठे हुए वो भी पढ़ना नहीं उनको, नहीं बताते है ना, तो आप समझिए कितना बेकार बोला है ना, है ना, बहुत बेकार, लड़के होते तो बताते, बहुत सही बोला, वो जितने होते हैं सब कहते बहुत अच्छा उदाहरण है, ये माइंड सेटअप होता है, क्यों बताइए, अच्छा उदाहरण है ना, बता दीजिए, नहीं बताएंगे, ठीक है। भेदभाव रूढ़िबद्ध धारणा, और ये क्या लड़कियों पर लड़कों के जीन, जीन वैज्ञानिक की क्या बात है, जीन क्या होता है, विशेष गुण होता है जो एक से दूसरे में हस्तांतरित होता है, और ये लिंग है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, ये क्या है भेदभाव रूढ़िबद्ध, ये रूढ़ियाँ हैं जो रूढ़ी मतलब परंपरा वो चली आ रही है कि हाँ लड़के जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, लड़कियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, जल्दी रोती हैं, ऐसा वैसा, अरे ये समूह मत बनाइए, होता है ना, होता है, रोते हैं ना, नहीं रोना चाहिए, ये देखिए ऐसे ही सब कहेंगे अगर आप लोग रोएंगे तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या है, भेदभाव रूढ़िबद्ध धारणा। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न आते हैं, इसमें देखिए सुन लीजिए, समाज क्या है आपने जाना, समुदाय क्या है, बालक क्या है, परिवार जानते ही हैं, सदस्य जो आपके सगे संबंधी जिनमें ब्लड रिलेशन होता है ना, खून का संबंध होता है, उन्हें परिवार कहते हैं, ठीक है। एक है इसमें टर्म पीयर, पीयर मतलब सहकर्मी, मतलब जैसे आपके साथ आप बैठी हैं तो दोनों क्या है, पीयर हैं, है ना। तो यहाँ जो चार टर्म दिए एकदम पता चले ना, तो एक नंबर आपका फिक्स होना चाहिए, अगर गलत करके आए तो मैं आंसर शीट लिखूंगी,